आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लास्ट चैप्टर हमने करा था प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो पीवीआर का। क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर दिए हैं और उसको करने के बाद आपको इजीली जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है वो एप्लीकेशन में अपलोड कर दिए गए हैं। आज न्यू चैप्टर है बजटरी कंट्रोल। तो बजटरी कंट्रोल होता क्या है एक बार समझते हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है और एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। सर देखते हैं, सर बजटरी कंट्रोल है क्या? तो आप एक बार फटाफट से मैं सारी चीज़ें बता दूं। पहले बजटरी कंट्रोल के बारे में ओवरऑल बता दूं। जैसे मान लो एक एक्स वाई जेड कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मान लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन है हमारा एक्स वाई और जेड, एक कंपनी है। अब इस कंपनी ने बहुत सारे एक्टिविटी है, इस कंपनी का सेल्स, इस कंपनी का खर्चा, इस कंपनी का कैश, तो ये सारी चीजें कंपनी को मैनेज करना पड़ता है। अब मान लो 2010 और 2011, तो सेल्स जो था 2010 का वो मान लेते हैं 20 लाख रुपए है और यहाँ पे 18 लाख हुआ, और 2000 अगर 12 में हम बात करें तो यहाँ पे हो गया 15 लाख रुपए। तो आप देखोगे मेरा सेल्स ना कंसिस्टेंसली घट रहा है। तो यहाँ पे सवाल उठ जाता है कि सर ये सेल्स घट क्यों रहा है? तो जब हमने इसके कॉजेस ढूंढे, इसके कारण ढूंढे, रीजंस, तो हमें पता चला सेल्स कम होने का रीज़न है कि बहुत बार तो हमारा कस्टमर खाली चला जाता था, सामान ही नहीं होता था अवेलेबल दुकान में, यानी हमारी प्लानिंग नहीं थी ठीक से। एक्सपेंस की हम बात करें तो कई बार खर्चा 15 लाख हो रहा है, कई बार 16 लाख हो रहा है, कई बार 10 लाख हो रहा है, तो ये भी एक तरीके से है। तो हम काम को स्टार्ट करने से पहले कितना सेल्स होना चाहिए, तो एक हम फोरकास्टिंग यानी एक होता है ना भविष्यवाणी करेंगे कि भैया 2013 में अब हमें सेल्स को 25 लाख करना है, 2013 में सेल्स को क्या करना है, हमें 25 लाख करना है। भविष्यवाणी है, ये एक फोरकास्टिंग है, प्रेडिक्शन है। तो सर जब 2013 में आप 25 लाख सेल करोगे तो सिर्फ सेल बोल देने से सेल नहीं होगा, इसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना होगा, क्योंकि सेल्स डिपेंड करेगा आपके मटेरियल पे, सेल्स डिपेंड करेगा आपका एक्सपेंस पे, सेल्स डिपेंड करेगा लेबर पे, यानी जब आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल होगा तभी तो सेल कर पाओगे। तो हमने सेल्स 25 लाख सोचा। अब 25 लाख का सेल्स टारगेट तभी अचीव हो सकता है एक प्रॉपर तरीके से हमारे पास 25 लाख का मटेरियल भी पड़ा हो, दूसरा हमारे पास प्रॉपर तरीके से उसके लिए रिसोर्सेस लेबर वगैरह भी हो, तीसरा उस 25 लाख के लिए हम प्रॉपर एडवर्टीजमेंट भी करें। तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। आपको बोला गया सर ये 25 लाख रुपए का आपको सेल करना है, बस सिंपल सी बात है, इसके लिए आपको इंतजाम करना है। तो जब आप इंतजाम करना इसका स्टार्ट करोगे, अरेंजमेंट करना इसका स्टार्ट करोगे, तो होगा क्या सर? तो होगा ये कि आपको पहले से ही आपने सोचा लिया कि भैया हमें गुड्स को खरीद लेना चाहिए, हमें 20 लाख का तो सामान गोडाउन में होना चाहिए, हमें एडवर्टीजमेंट के लिए खर्चा करना होगा कम से कम तो 50,000 रुपये तो लगाएंगे, हम ये प्रमोशन करेंगे वो करेंगे। तो दैट इज कॉल आप सोच रहे हो ना कि हम ये चीज़ें बनाएंगे, ऐसा होना चाहिए, इसको बजट बोला जाता है। बजट हमेशा प्लानिंग से रिलेटेड है। बजट क्या है? आपके फ्यूचर में कितना होने वाला है उसको क्या बोलते हैं हम? बजट। उस बजट के हिसाब से हम अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। अगर आपने बजट नहीं बनाया तो टारगेट अचीव करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर का नाम है बजटिंग। एक तो हम बजट बनाने वाले हैं,
सर सेल्स का बजट बनाएंगे, किस किस का बजट बनाएंगे, एक्सपेंस का बजट बनाएंगे, फिक्स बनाएंगे, फ्लेक्सिबल बनाएंगे, कैश का बनाएंगे, कंट्रोल। उसके बाद इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, इसके टेक्निक्स, वो सारी बातें हैं। तो अगर देखा जाए हम बजट की डेफिनेशन की तरफ चले ना, तो कि सर क्या होता है बजट का मतलब, तो देखिए क्या लिखा हुआ है। सीएमए इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन, उन्होंने कहा अ फाइनेंशियल और क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट प्रिपेयर, मतलब एक हम इस तरीके से स्टेटमेंट बना लेंगे कुछ काइंड ऑफ ऐसे। स्टेटमेंट तो यही होता है जहां पे डेबिट और क्रेडिट ना हो उसे क्या बोलते हैं स्टेटमेंट। यहां पे लिख दिया भैया सेल्स ये है, वेरिएबल कॉस्ट ये है, फिक्स कॉस्ट ये है, मतलब एक्सेट्रा सारी चीजें। तो इन सभी को अगर देखा जाए ना, तो इन सभी को बोला जाता है सिंपली स्टेटमेंट। तो कहता है एक क्वांटिटी, इसमें क्वांटिटी भी होगा, फाइनेंशियल इसमें अमाउंट भी होगा, प्रिपेयर प्रायर टू डिफाइंड पीरियड, मतलब दो साल बाद का हम बना रहे हैं, तो वो पीरियड प्रायर पहले दो साल बाद की चीजों को हम आज बना रहे हैं। प्रायर ऑफ टाइम ऑफ द पॉलिसी टू बी आपका प्रेशर ड्यूरिंग द पीरियड फॉर द पर्पस ऑफ अटेनिंग गिविंग द ऑब्जेक्टिव, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो हम पहले से ही कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह कुछ भी बना कर चलते हैं फ्यूचर से रिलेटेड, उसे हम बोलते हैं बजट। तो सर ये हो गया डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ बजट, बजट की डेफिनेशन। तो सर इसके अंदर सिंपल सी अगर हम बात करें, थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो और आइडिया आएगा कि हम इसके अंदर क्या क्या सीखेंगे। मोटी मोटी बातें मैं यहां बताने जा रहा हूं सर इस चैप्टर के अंदर, बजट के अंदर जो हमारा रहने वाला है, तीन चार बजट के ऊपर अच्छा खासा फोकस रहेगा और एग्जाम में उसमें से बहुत पॉपुलर है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर। नंबर वन, एक बजट होगा हमारा फिक्स एंड फ्लक्चुएशन, फ्लेक्सिबल, फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट। एक फिक्स एंड फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएबल बजट जो कि आज ही खत्म हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम कैश बजट, जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा, और जिनके पास एफएम है एफएम में भी कैश बजट है, तो दोनों सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बजट, ये तीन बजट मेनली हमारा फोकस पे रहेगा। इसके साथ साथ कुछ हेल्पिंग बजट भी है सर। सर हेल्पिंग बजट क्या है, जो सेल्स बजट, इसके साथ साथ देखा जाए तो परचेज बजट, और भी छोटे छोटे से खर्चे से रिलेटेड, यानी हम हर चीज का बजट बना सकते हैं ना। हम खाना खाने का बजट बनाते हैं, घर में बजट बनता है, तो नॉर्मली आपको बोला जाए कि भाई आपको दिवाली पे खर्चा करना है और दिवाली पे सारा अरेंजमेंट करना है, तो आप पहले बजट बनाओगे क्या क्या सामान लाना है और क्या क्या नहीं लाना है। तो हर चीज का बजट बनाया जा सकता है, लेकिन हमारे एग्जाम में सब्जेक्ट से रिलेटेड ये तीन बजट है जो बहुत फ्रिक्वेंटली और इनमें से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम पहले फिक्स बजट को समझ लेंगे, फिक्स बजट और फ्लक्चुएशन फ्लेक्सिबल बजट, इन दोनों बजट को समझेंगे। इसके बाद हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे और इस चैप्टर को खत्म कर पाएंगे। तो सर हम फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट की बात करते हैं कि होता क्या है फिक्स एंड फ्लेक्सिबल। तो इसके अंदर हमें एक फॉर्मेट में बना देता हूँ आपको, ताकि आपको बहुत जल्दी समझ में आने लगे। चलिए सर मेरे साथ साथ पहले क्या होता है फिक्स फ्लेक्सिबल, मैं फॉर्मेट बनाता हूँ, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा।
ये जितनी मर्जी लाइन खींच लो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रहेगा। आपका फ्लेक्सिबल बजट फ्लेक्सिबल बजट यहां आएगा पर्टिकुलर चलिए सर अब इस कॉलम को समझते हैं। सबसे पहले हमने लिख लिया वेरिएबल कॉस्ट, उसके बाद आएगा सेमी वेरिएबल, उसके बाद आएगा फिक्स कॉस्ट, फिर आएगा हमारा टोटल कॉस्ट, फिर आएगा हमारा टोटल कॉस्ट। नाम दे देते हैं इसका ए बी और सी, और टोटल कॉस्ट होगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है चलिए हम एक एक चीज को समझते जाएंगे और करते जाएंगे, फिर बड़ा आसान हो जाएगा, बहुत छोटा सा टॉपिक जो खत्म हो जाएगा। आपको ना यहां कैपेसिटी देगा, कैपेसिटी मतलब काम करने का क्षमता। मान लेते हैं मैंने कहा कि मेरी 100% अगर मैं काम करूंगा तो मैं 1000 यूनिट प्रिपेयर कर पाऊंगा। कितने यूनिट बना पाऊंगा मैं? 1000 यूनिट। आप जवाब भी दीजिएगा साथ के साथ, कमेंट में पूछता जाऊंगा। अगर मैं पूछूं कि मैं 80% अगर काम करना चाहूं तो बताइए मैं कितने यूनिट बना पाऊंगा। आप सभी से पूछ रहा हूं जितने बच्चे लाइव हैं, अगर मैं 80% काम करता हूं कैपेसिटी तो बताइए कितने यूनिट मैं बना पाऊंगा। बताइए जवाब कमेंट में। आपको थोड़ा एंगेज होना पड़ेगा, मेरे साथ साथ जवाब देना पड़ेगा। गौरव ने जवाब दे दिया, साक्षी ने जवाब दे दिया, विवेक ने दे दिया 800। बहुत सही जवाब। अगर मैं कहूं 40% मैं अगर बनाऊंगा कैपेसिटी पे तो बताइए कितने यूनिट बनेगा 40% पे, तो कितने बनेंगे सर 40% पे? जवाब आ गया 400 यूनिट, 400 यूनिट। सभी ने जवाब दे दिया, साक्षी 40 पे 400 यूनिट होगा। ठीक है, यानी आपको ये चीजें समझ में आ गई। अगर मैं थोड़ा परसेंटेज हिला दूं 35% पे तो देखते हैं कौन जवाब देगा। 35% कैपेसिटी पे कितनी होगी बताइए? 35% कैपेसिटी पे कौन कौन बताएगा बताइए? 35% कैपेसिटी पे तो 350 विवेक ने, दो दो बार लिख दिया विवेक ने, 350 ठीक है। तो आप सभी ने मुझे बता दिया। अब बात करते हैं सर आगे की। अब मैंने कहा, थोड़ा सा एग्जांपल चेंज कर रहा हूं, मैंने कहा कि अगर मैं 80% पे काम करता हूं ना तो मैं 8000 यूनिट बना पाता हूं।
अगर मैं 80% कैपेसिटी पे काम करूं तो मैं 8,000 यूनिट बना पाता हूं। तो आपको जवाब देना है, अगर मैं 70% कैपेसिटी पे काम करूं तो कितने यूनिट बना पाऊंगा, कितने यूनिट बना पाएंगे बताइए। अगर मैं 70% पे काम करूं तो कितने यूनिट बनाऊंगा? तो गौरव ने जवाब दे दिया सर 7,000। गौरव ने जवाब दे दिया 7,000, 7,000। जवाब दे दिया 7,000। साक्षी ने भी जवाब दे दिया 7,000। तो 70%। अब एक और सवाल पूछते हैं आपसे, देखते हैं आप जवाब दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। 40% कैपेसिटी पे मैं काम कर रहा हूं, अब यूनिट बता के दिखाइए आप 40% पे। 40% पे निकाल के बताइए आप। गौरव ने, विवेक ने, साक्षी ने, सबने एक साथ जवाब दिया सर 4,000। अब मैं आपके ही आंसर को थोड़ा सा डिटेल में लेके चलता हूँ। सर ये वाला जो आंसर आपने निकाल के बताया होगा ना, वो पता है कैसे बताया होगा? ये वाला आंसर निकाल के आपने रखा होगा, इसी के थ्रू ये निकला होगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपने निकाल लिया, मैंने तो ये बताया नहीं था। ये तो सर आपने निकाला है, ये तो पता ही नहीं था आपको, ये वाला डिजिट पता था। तो आपने क्या करा होगा कि भैया पहले तो 8,000 बनाते हैं हम, तो डिवाइड कर दो, 80% है तो डिवाइडेड बाय 80 रख दिया। अब मैंने 70 पे पूछा तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 70 से। सेम अगर मैंने यहां पूछा तो स्टार्टिंग का बेस लिया 8,000 और आपने डिवाइड कर दिया 80 से, और मैंने 40 से पूछा तो 40 इंटू करा। यानी सर जब कभी भी आपको डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज दे दे तो उसका यूनिट आप निकाल सकते हो, है ना। एक और क्वेश्चन पूछें, चलो बदल देते हैं हम ये दो क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन का अगर आपने जवाब दे दिया ना, फिर हम आ जाएंगे अगले टॉपिक पे। ये भी आपने जवाब दे दिया। अब तीसरा मान लेते हैं 50% कैपेसिटी पे हम 3500 यूनिट बना पा रहे हैं, तो मुझे 20% कैपेसिटी पे काम करना है तो कितने यूनिट बनाएंगे? अब बताइए, अगर आपको ऊपर वाला पॉइंट समझ में आ गया तो समझिए नीचे वाला भी समझ में आ गया। ये सभी भी ऐसे ही निकले हैं, इन सभी को भी बोलूंगा तो बेस आपने ये माना कि भैया पहले ये और डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, और जो जो रिक्वायरमेंट है मल्टीप्लाई करके आप निकालते गए। आप इसका बता दीजिए बस, अगर आपने इसका जवाब दे दिया तो फिर मैं आगे चल पड़ूंगा। साक्षी ने बोला 1400, विवेक ने भी 1400। यानी जी सर समझ में आ गया आपको। सर ये 1400 कैसे आया? देखो आपका 3500 था, इसको डिवाइड कर दिया आपने 50% से, और मैंने पूछा 20 तो मल्टीप्लाई 20 करा तो ये परसेंटेज आ गया। गौरव ने भी 1400, बिल्कुल ठीक। तो आपको फ्लेक्सिबल बजट में ना एग्जामिनर 1% का सारा डेटा दे देगा, किसी 1% का, और बोलेगा आप डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज का अपने हिसाब से डेटा बनाइए। जैसे एग्जामिनर ने 80% का डेटा दे दिया और बोल दिया 90 का खुद बनाओ और 100 का खुद बनाओ, और इनफैक्ट 100 नहीं 110%, 120%, 130% का भी पूछ सकता है, तो वो आपको खुद बनाने को दिया जाएगा। तो वेरी सिंपल। तो वेरिएबल कॉस्ट के अंदर सबसे पहले अगर आपको यूनिट पता हो तो यहां वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या हो सकता है? मटेरियल, है ना,
लेबर। तो सर वेरिएबल कॉस्ट का मतलब जो यूनिट के साथ वेरी हो जाए। अगर आपको यूनिट पता चल गया, सपोज करो मैं इसी का एग्जांपल ले लूं या इसका एग्जांपल ले लेता हूं, तो आपने यहां पे यूनिट तो निकाल ही लिया, तो यूनिट निकाल लिया आपने और यूनिट से इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे और यहां पे ये आता जाएगा। तो सर यहां पे एक तो आपको गिवन होगा पहले से ही, हम क्वेश्चन भी करेंगे और बाकी के सारे आप धीरे धीरे ये सब क्या करेंगे, आप फाइंड करते जाएंगे एज पर द यूनिट, यानी यूनिट बहुत रिक्वायरमेंट रहेगा। और क्या हो सकता है सर, और भी बहुत सारी चीजें, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड हो सकता है। ओवरहेड, ओवरहेड का मतलब सर खर्चा, ओवरहेड का मतलब सर खर्चा। इसके बाद हम इसका कर लेंगे टोटल, ये वेरिएबल कॉस्ट आ गया टोटल, और इस टोटल को टोटल ए नाम दे। इस टोटल को टोटल ए नाम दे दी, ठीक है। अब सेमी वेरिएबल समझते हैं क्या होता है। सेमी वेरिएबल होता है जिसके अंदर कुछ पार्ट फिक्स है और कुछ वेरिएबल है। एग्जाम्पल लू तो बिजली का बिल, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल कभी उठा के देखना अपने घर का, उसके अंदर अगर आपने पूरे महीने अगर घर में लाइट बंद कर दो, आप चले जाओ कहीं घूमने के लिए, तब भी बिजली का बिल आएगा। कुछ पार्ट हमारा फिक्स होता है, कुछ पार्ट हमारा वेरिएबल होता है। तो ऐसे खर्चे जिसका कुछ पार्ट हमारा फिक्स रहता है, कुछ पार्ट आपका वेरिएबल होता है, उसको हम बोलते हैं सेमी वेरिएबल। मतलब सेमी का मतलब पूरा वेरिएबल भी नहीं है और पूरा फिक्स भी नहीं। पोस्टपेड कनेक्शन, आपने 199 का प्लान ले लिया, 199 तक तो आपका रेंटल आएगा, आप बात भी नहीं करोगे तब भी रेंटल आएगा, लेकिन उससे ज़्यादा अगर बात कर लिया, इंटरनेशनल रूमिंग वगैरह में चले गए, तो उसका एक्स्ट्रा बिल आ जाएगा। तो एक सर्टेन से बाकी वेरिएबल हो जाता है। सेमी वेरिएबल का मतलब होता है सम पार्ट फिक्स और सम पार्ट वेरिएबल। इसमें क्या क्या हो सकता है सर, इसके अंदर ओवरहेड हो सकता है, ओवरहेड खर्चा। अब मैं आपसे सेमी वेरिएबल, ये वेरिएबल तो आपसे, चलो मैं ये भी पूछ लेता हूं, इधर एग्जांपल ये मान लेते हैं हमारा 800 यूनिट का काम है, 800, तो आप मुझे बताइए 90% पे, मैं बता देता हूं 900 और 1000। अगर मटेरियल मेरा 2 रुपए यूनिट है तो बताइए 100% कैपेसिटी पे कितना मटेरियल लगेगा, जवाब दीजिएगा। अगर मटेरियल 2 रुपए यूनिट है तो 100% कैपेसिटी पे कितना पार्ट लगेगा, जवाब दीजिए। विवेक ने बिल्कुल सही जवाब दिया, 2000 2000, यानी ये बातें आपको समझ में आ रही है, 2000 रुपए आ जाएगा, ठीक है। अब ओवरहेड में कुछ पार्ट हमारा होगा वेरिएबल और कुछ पार्ट होगा फिक्स्ड। अब मैंने कहा ओवरहेड मेरा 20 रुपए यूनिट है जिसमें से 20% फिक्स्ड है, तो सर 20 रुपए में से जो 20% है, 20% का मतलब कितना, 4 रुपए तो फिक्स है और बाकी 16 रुपए आपका वेरिएबल है। तो वेरिएबल तो सर यूनिट के साथ साथ बढ़ता घटता जाएगा, वेरिएबल तो यूनिट के साथ साथ बढ़ता घटता जाएगा, लेकिन जो फिक्स वाला पोर्शन रहेगा, वेरिएबल यूनिट के साथ बढ़ता घटता जाएगा लेकिन जो फिक्स वाला पोर्शन रहेगा ना, ये फिक्स वाला, ये नहीं बढ़ेगा। अब समस्या आती है, सर आप फिक्स कॉस्ट बोल रहे हैं, तो मैं अगर फिक्स कॉस्ट लिखूंगा तो क्या यहां पे 800 × 4 1600 लिखूंगा, क्या यहां पे 900 × 4 3600 लिखूंगा, क्या यहां पे 1000 × 4 4000 लिखूंगा। और आपने कहा कि फिक्स कॉस्ट तो बदलता नहीं, लेकिन बदल रहा है। मैंने कहा कि भैया फिक्स कॉस्ट नहीं बदलेगा जो फिक्स वाला पार्ट होगा, तो ऐसे केस में आपका हर जगह पे जो ये कॉस्टिंग आएगी हर जगह पे, वो हर जगह पे कितना रहने वाला है पता है आपको, 4000 और 4000 और 4000। ऐसा क्यों सर, क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमेशा 100% कैपेसिटी पे डिटरमाइन होगा। दोबारा मैं बोल रहा हूं, फिक्स कॉस्ट हमेशा 100% कैपेसिटी पे डिटरमाइन होगा। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं और जवाब दे के आप बताइएगा समझ में आया ही नहीं।
मैंने बोला 40 रुपये मेरा है, इसमें से 80% पार्ट हमारा फिक्स है, तो आप मुझे बताइए फिक्स कॉस्ट क्या होगा इस वाले पॉइंट के लिए। 80% पार्ट फिक्स है 40 रुपये के हिसाब से, तो मुझे बताइए फिक्स कॉस्ट क्या होगा, निकाल के बताइए फटाफट। देखते हैं कौन बच्चा जवाब दे पाता है। क्वेश्चन आपके सामने, आप निकाल के बताइए फटाफट। साक्षी का जवाब आया सर 3200 रुपये फिक्स होगा। ओके, 40 का अगर हम निकालें 80% तो 32, और 1000 यूनिट है, तो विवेक का जवाब ठीक है, 32000 होगा। साक्षी, गौरव ने सिर्फ एक 32 बता दिया, ये 32000 होगा, तो हर किसी लेवल का क्या होगा 32000। लेकिन वहीं आपसे पूछा जाए कि सर 8 रुपये तो आपने बता दिया कि वेरिएबल कॉस्ट है, और ये 8 रुपये जो आपका वेरिएबल कॉस्ट है, ये 8 रुपये मुझे बताइए, तो 8 रुपये क्या होगा हमारा, 800 × 8, 900 × 8, और 1000 × 8, 8000। तो ये वेरिएबल पार्ट हो गया। तो आप देखिए, हमारा ओवरहेड था, इसका प्राइसिंग लिख दिया मैंने, इसके कुछ हिस्से वेरिएबल, कुछ हिस्से फिक्स, इस हिसाब से डिफाइन किया गया, इसलिए इसको नाम पता है क्या दे दिया गया, सेमी वेरिएबल। क्या आपको समझ में आया? तो मैं इसे मिटा दूं आपके लिए, सिर्फ फॉर्मेट अगले क्वेश्चन में आपसे पूछेंगे फिर, और ये अगर आपको समझ में आ गया है तो आप मुझे बताइए, तो ताकि मैं आगे चल सकूं। ये साफ नीट एंड क्लीन आपके लिए फॉर्मेट है, ये सभी चीजें आपको निकालनी पड़ेंगी। समझ में आ गया क्या आपको? ये क्लियर है। चलिए, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट में जैसे मान लो डेप्रिसिएशन, या मान लो एनी फिक्स कॉस्ट, डेप्रिसिएशन मान लेते हैं, तो डेप्रिसिएशन सर फिक्स कॉस्ट होता है, वो क्वेश्चन में गिवन होगा, हर रिस्पेक्ट ऑफ लेवल पे डेप्रिसिएशन होगा। सर यहां पे टोटल कर दे, ये आ गया टोटल ऑफ बी पार्ट, और ये आ गया टोटल सी पार्ट। ठीक है, और ये आ गया टोटल सी पार्ट। अब हमारे पास ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, तीनों को जोड़ देंगे, एक हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, और एग्जामिनर आपसे यही पूछेगा कि हमें बताइए टोटल कॉस्ट कितना है इस बजट के अंदर। समझे बात? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, फिर एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम। है कोई दिक्कत यहां तक? हाँ, पीडीएफ आज ही मिल जाएगी इसकी, आप नोटिंग करोगे ना, जो क्लास नोट हो रहा है उसका तो पीडीएफ दे ही रहा हूँ मैं, तो आज इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, और प्लस प्लस कुछ क्वेश्चन दूंगा उसकी भी पीडीएफ मिल जाएगी, आज फ्लेक्सिबल बजट हो जाएगा हमारा। चलिए सर, एक क्वेश्चन आपके सामने, मैंने पहले ही क्वेश्चन तैयार कर लिया है, और देखिए हर बच्चों से मैंने बोला हार्ड कॉपी के लिए तो आप बुक ले ले तो बेहतर है। बुक ले ले तो बेहतर है, बाकी मैं पीडीएफ फॉर्मेट दे सकता हूँ। चलिए, देखिए हम कोशिश करते हैं कि यहीं सॉल्व करके दिखाएं, है ना, हमें बनाना है 70, 80, 90। ठीक है, चार कॉलम, कॉलम
फॉर्मेट बना लेते हैं पहले, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। मेरी बस यही कोशिश है कि मैं इसको यहीं पे करके दिखाऊं ताकि कंपैरिजन हो जाए, अदरवाइज ये पीछे पेज पे हो सकता। कोई बात नहीं, करेंगे तो ही। आप बस विजुअलिटी का बताइएगा, अगर आपको प्रॉपर विजुअल है तो मेरा काम बन जाएगा। क्वेश्चन आपको प्रॉपर दिखना चाहिए। क्लियर क्वेश्चन दिख रहा है, आप बताइए मुझे। क्वेश्चन क्लियर विजुअल है तो फिर मैं इसे पढ़ के आगे करना चालू। यस, चलिए क्वेश्चन पढ़ देते हैं आपके लिए। क्वेश्चन कहता है ड्रॉ अ फ्लेक्सिबल बजट। एक फ्लेक्सिबल बजट बनाना है फॉर ओवरहेड एक्सपेंस और खर्चे का है ये। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा अवेलेबल डिटरमाइन ओवरहेड आपका 70% 80% 90% प्लांट कैपेसिटी, यानी ये 3% पे बनाना है। एक बनाना है आपको 70%, एक 80% और एक 90%। और प्रेजेंट एट 80% कैपेसिटी वेरिएबल ओवरहेड गिवन है आपको। 80% कैपेसिटी पे कुछ चीज़ें दी दी है, यानी 80% कैपेसिटी की जानकारी आपको दी जा रही है। 70 80 की दी जा रही है, 70 80 और 90। ओके, एक मिनट कहें, सत्तर अस्सी और नब्बे, एक कॉलम एक्स्ट्रा बना दिया। चलो क्वेश्चन बढ़ा कर सकते हैं, प्रति नहीं है। कहने का मतलब आपको 80% पे दे रखा है और 90, 70 और 90 पे बनाना है आपको। 70 पे या सीक्वेंस में लेके चलें, चलो 70 और 90 पे बना। ठीक है, चलिए सर। अब ये सबसे पहले कहता है कि हमारा इनडायरेक्ट लेबर 12,000 रुपये का खर्चा हुआ, तो लेबर जहाँ पे बोला उसके लिए फिक्स शब्द का इस्तेमाल है, जहां पे वेरिएबल है उसके लिए वेरिएबल इस्तेमाल का है। आपका स्टोर इंक्लूड स्पेयर्स 4,000 रुपए, सेमी वेरिएबल इसने दे दिया, पावर फिक्स ये और इसका टोटल दे दिया इसने, रिपेयर आपको दे दिया इसने, फिक्स ओवरहेड आपको अलग दे दिया, डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस सैलरी ये फिक्स है, टोटल ओवरहेड आपके सामने आ गया 62,000 रुपए, एस्टिमेट डायरेक्ट लेबर आवर आपको ये दे दिया, और इसके साथ साथ हमें जो भी बोलना है करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं वेरिएबल, के बाद सेमी वेरिएबल, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ठीक है ना। इसके बाद ले लेंगे फिक्स कॉस्ट। पहले जो दे रखा है उससे तो बना ले हम बजट। कहता है हमारा इनडायरेक्ट लेबर, ऐसा कुछ नहीं बोला क्या है, इनडायरेक्ट लेबर पे आ जाते हैं। सर लेबर का खर्चा 12,000,
लेबर के बाद है हमारा स्टोर इंक्लूड स्पेयर्स, कुछ नहीं बोला, स्टोर इंक्लूड स्पेयर्स का खर्चा आ गया 4000, ये वेरिएबल है। इसके बाद आ जाते हैं सेमी वेरिएबल में, पावर कहता है सर 20000 का खर्चा था जिसमें से कुछ पार्ट फिक्स है और कुछ पार्ट वेरिएबल है। तो फिक्स पार्ट की अगर हम बात करें तो 60% पार्ट हमारा फिक्स है और 40% वेरिएबल है। तो फिक्स पार्ट 60% 20000 का 60% यहीं लिख देते हैं, 20000 का 60% तो 12000 और वेरिएबल हो जाएगा 20000 का 40% तो हो जाएगा 8000। यानी ये भी हो गया हमारा रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इसके अंदर भी कहता है 60% फिक्स और वेरिएबल 42000 रुपए है। सर और जगह चाहिए होगा हमें, आ जाते हैं रिपेयर, यहां भी फिक्स है और यहां भी वेरिएबल है। सर यहां फिक्स कितने हैं 2000 का, कितने परसेंट कहा इसने 30%, तो सर 2000 का 30% होता है हमारा 600, वेरिएबल क्या होगा 2000 का 70%, दैट इज 1400। पहले हम 1% वाला बना ले, उसके बाद अगला हम बना पाएंगे। चलिए सर अब आगे कहता है कि फिक्स ओवरहेड है डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस सैलरी, तो सर फिक्स ओवरहेड है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर लेके चलते, चलिए सर तो थोड़ा और ऊपर ले जाते हैं। आपको सिर्फ विजुअल के लिए है ये 12000, आठ हजार फिक्स में, फिक्स में कहता है सर डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन कितने का है 11000, डेप्रिसिएशन के बाद इंश्योरेंस, सर इंश्योरेंस कितने का है 3000, इंश्योरेंस के बाद सैलरी, सैलरी कितने का है हमारा 10000, इसके बाद आ जाएगा टोटल। करिए सर टोटल कर लेते हैं, बारह और चार 16, बीस, बाईस, ग्यारह, इक्कीस और तीन 24, और अब आएगा टोटल जिसके अंदर ए प्लस बी प्लस सी रखा था, ए प्लस बी प्लस सी करें 16 और 12 और 24, तो हालांकि यहाँ पे आने वाला है 62 ही, लेकिन फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ। सर परसेंटेज रॉन्ग है, कौन सा परसेंटेज रॉन्ग है 30-70, अच्छा 60-40 है, मैंने गलत ले लिया, ये 30 है ना, ठीक है चलो 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 बता दिया आपने तो गलत ही, कोई बात नहीं।
टोटलिंग पे फ़र्क नहीं पड़े, परसेंटेज मैंने रॉन्ग लिया। चलिए 30-70 पावर है, तो 6000 और 60-40 ये है, बारह सौ और 800, ठीक है 16000, 22000, 24000, देखिए 62000 जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा था 62000। अब क्वेश्चन कहता है सर 70% पे भी बनाइए आप, तो सर वेरिएबल कॉस्ट ये 80% पे है, तो मैं पहले लेबर की बात करूंगा। लेबर, लेबर आपका 12000 रुपये अगर ये 70% है तो डिवाइडेड बाय 70 हमें चाहिए, सॉरी 80% पे है तो डिवाइडेड बाय 80 चाहिए, जितने पे रिक्वायरमेंट यहाँ लिखते हैं जैसे वहाँ निकाला था हमने। तो सर लेबर अगर मुझसे 70% पे पूछो तो 12000 डिवाइडेड बाय 80, या तो इसका दूसरा तरीका है पहले आप इसे 100% बना लो, किसी को भी 100% बनाने का तरीका क्या है, जितने परसेंट दे रखा है और इनटू में 100 कर दो वो 100% बन जाएगा, दैट इज 12000 डिवाइडेड बाय 80 इनटू में 100, 15000 आ गया। अब 15000 100% है उसका निकालते जाओ, 15000 का 70% निकाल लो आप 10500, और इसको भी जब आप सॉल्व करोगे ना जो मैंने लिखा है तो 12000 डिवाइडेड बाय 80 इनटू में 70 तो भी 10500 आएगा, ठीक है 90% 15000 का 13500। सेम ऐसे मैं स्टोर का निकाल लेता हूँ, पहले 100 निकाल लो वो ज़्यादा बढ़िया है कैलकुलेटर पर हो जाएगा। सर 4000 जो है वो 80% के बराबर है, इनटू 100 करके निकाल लेते हैं, तो 4000 डिवाइडेड बाई 80 इनटू 100 सर 5000 आ रहा है। अब 5000 का परसेंटेज खटाखट निकालते जाओ, 7 × 5 3500 और 9 × 5 4500। फिक्स कॉस्ट तो सर फिक्स ही रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाएगा किसका, पावर का। सर पावर 14000 वेरिएबल कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय 80% पे इनटू में 100, तो 14000 डिवाइडेड बाय 80 इनटू में 100 17500, 17500 का 70% ये आ जाएगा हमारा 12250, और 17500 का 90% 15750, 15750। पहले यहाँ तक देखिए समझ में आ रहा है, किसी को डाउट है क्या, यहाँ तक बताइए जो मैं कर रहा हूँ समझ में आ रहा है या किसी को डाउट है, तो हम आगे चले। क्लियर सर, ठीक है। अब ऐसे ही फिक्स इसका 1200 है तो ये तो फिक्स ही रहने वाला है सर, अब वेरिएबल बदल देंगे 800 को, तो अब वेरिएबल यहाँ मैं निकाल रहा हूँ, यहाँ निकाल देता हूँ, मार्कर बदल देते हैं। चलो वेरिएबल देखा जाए हमारा 800 है और ये 80% कैपेसिटी पे है, तो इनटू 100 यानी 1000 आ गया, 1000 का फटाफट निकाल लो, 1000 का 70 700 और 1000 का 90 900 फटाफट आ गया। ये फिक्स कॉस्ट है, ये तो बदल ही नहीं सकता सर, यानी फिक्स कॉस्ट जो क्वेश्चन में दे देगा वो एवरी टाइम पे रहेगा। अगर क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट यूनिट के टर्म्स में देगा तो आपको किस पे लेना है, अब बोलोगे सर आपने मुझे अभी बताया था कि फिक्स कॉस्ट हमेशा 100% कैपेसिटी पे वर्क करेगा, तो फिक्स कॉस्ट अगर यूनिट के टर्म्स में देगा तो 100% कैपेसिटी के वर्क करेगा, अगर अमाउंट के टर्म्स में देगा तो वही अमाउंट हर जगह चलेगा, इसका भी ध्यान रखना। तो चलिए सर 6000 12250 1200 और 700 ये आ गया 20150, ठीक है ऐसे ही 6000 15750 1200 23850 ऐसे ही आ गया 11000 3000 ये तो हर जगह 24 ही रहे,
फिक्स ही। अब टोटल कर लेते हैं, यहाँ का टोटल 10, 5, 11, 3, 14 हज़ार, यहाँ पे आपका आ जाएगा 14 और 4, 18 हज़ार। सर 14 हज़ार, 20, 150 और प्लस 24 हज़ार, इसका आ गया 58, 150। 70% पे ना वो 18,000, 23,800 प्लस 24, क्या गया 65,800। सर ये लो बन गया हमारा बजट। कौन सा बजट है सर? फ्लेक्सिबल बजट। सर ये है हमारा फ्लेक्सिबल बजट। किसी को डाउट है तो बताइए इस वाले क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन आपको दिया है, एक दो क्वेश्चन और दे दूंगा मैं ऐसे छोटे छोटे, अभी पीडीएफ बना के जाके थोड़ी देर बाद पीडीएफ बना के डाल दूंगा, सो दैट आप प्रैक्टिस कर पाओ। और फ्लेक्सिबल बजट अगली क्लास में डाउट लेके, एक क्वेश्चन मुझे और कराना है वैसे फ्लेक्सिबल बजट का, ढूंढ के देखूंगा कहाँ है वो। तो फ्लेक्सिबल बजट का हमारा क्वेश्चन हो जाएगा ख़त्म। फिर हमारा रहेगा कैश बजट। कैश बजट आपके जो है उसके बाद फिर प्रोडक्शन, फिर चैप्टर ये जाएगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, 10 ईयर ले लीजिएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, मैं हर बार बोलूँगा मैक्सिमम टाइम तक ये पूछा गया है। तो क्लियर है सर? कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। कहना है सर ये 80% से डिवाइड करा, एक बार समझा दो। 80 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि आपको ना, आप ध्यान से देखो तो आपको 80% की सारी डिटेल गिवन थी। ये डिटेल आपको पहले से ही दे रखा था, ये देख लो आप। और लास्ट में एक क्वेश्चन पूछ सकता है एस्टिमेट डायरेक्ट लेबर आवर, पर आवर निकालना हो तो इन सारे खर्चे को डायरेक्ट लेबर आवर से डिवाइड कर देंगे। हालांकि क्वेश्चन ने बोला नहीं था, कहता है ओवरहेड, तो डायरेक्ट लेबर आवर से बस डिवाइड करोगे वो आ जाएगा। तो सर 80% पे 12,000। अब देखो मैं सिंपल बोलूं कि आपने 10% खर्च किए 10 रुपए, आपने 10% खर्च किए 10 रुपए, तो बचाओ 20% के लिए कितना खर्च होगे? तो आप बोल दोगे सर 20% के लिए, लो जी बहुत सिंपल सी बात है, 20 रुपए खर्चेंगे। अब मुद्दे की बात है, 20 आया कैसे? ये आपने 10 को पहले डिवाइड किया 10 से और इसको इंटू 20 से किया, या पहले 100% आपने 100 रुपए दिमाग में बनाया, उसके बाद इसका आपने 20% निकाल लिया, उसके बाद आपने इसका 20% क्या करा, निकाल लिया। देखिए आप फटाफट, क्लियर हो गया विवेक? 80%। चलिए तो नेक्स्ट क्लास अगेन कल, कल की क्लास सुबह मॉर्निंग में रहेगी 9:30, जैसे मैंने बताया था TTS और MWF टाइम टेबल, क्योंकि सुबह का टाइम बन नहीं पा रहा, सुबह 9:30 कल रखूंगा, और होगा तो मैं रेगुलर ही 9:30 कर दूंगा, जो फिक्स हो जाए एक टाइम 9:30 कल हम इसके आगे करेंगे। मतलब जल्दी जल्दी अब मुझे ये सारा आपका चैप्टर करवाना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जो हम कर रहे हैं, कैश बजट वाला टॉपिक इसी के अंदर जब मैं अगली क्लास में करूँगा तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इसको दोनों को एक साथ ही समझ के चलेंगे, दोनों टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर सेम टाइम पे 9:30 बजे, 10:30, आज तो थोड़ा लेट हो गए थे, 9:30 बजे कल क्लास रहेगी, ठीक है? कोई डाउट नहीं है तो लीव कर सकते हैं। टेक केयर, बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।